नमस्कार लिब्रा, लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश बोर्ड स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम हेल्थ वेल्थ करियर जॉब पैसा मनी इन सब चीज़ों के लिए जनरल रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ये 6 जुलाई से 12 जुलाई के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर मैसेज छोड़ सकते हैं और चेक कर सकते हैं। और ये सबसे पहले हम इसमें एक ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, फिर ये कार्ड्स निकालेंगे और लास्ट में एक कार्ड हम गाइडेंस का भी निकालेंगे। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि लिब्रा की 6 जुलाई से 12 जुलाई के लिए एनर्जी क्या रहेगी और उनके कार्ड्स क्या बता रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी द हर्मिट। तो आप ने काफ़ी दुनियादारी देखी है, काफ़ी आप सोच समझकर आगे कदम रखने वाले हैं, फूक फूक कर कदम रखने वाले हैं, क्योंकि आपने आपकी लाइफ में कुछ भी बहुत कुछ देखा है। तो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आप आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा जो भी आप इसमें रुका रुका सा ठहरा ठहरा सा आप महसूस कर सकते हैं और यूनिवर्स के प्रति भी आपकी आस्था हो सकती है। हीलिंग मेडिटेशन प्रेयर वगैरह ये चीज़ों में भी आप जा सकते हैं। लोगों को लग सकता है कि आप उनसे बातें नहीं कर रहे, आप उनसे किनारा कर रहे हैं। एक्चुअली आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करने वाले हैं और सोच समझकर लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। जो रास्ता आप दूसरों को दिखाते थे वो रास्ता आप खुद के लिए फॉलो करना चाहते हैं, फूक फूक कर कदम रखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं हेल्थ वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स, रिलेशनशिप एंड देन गाइडेंस। तो स्वॉर्ड्स का क्या है कि नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप लग रहा है कि पास्ट में कुछ चीज़ों को लेकर किसी ने आपको धोखा दिया है। आप काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस में, परेशानी में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। हेल्थ वाइज अगर आप इसी तरह सोचते रहे और शायद आपको नींद लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। जो आपका हेल्थ है वो बता रही है कि आप रातों को सो नहीं पा रहे हैं, आप को नींद की प्रॉब्लम है और आप काफ़ी एंजाइटी में, काफ़ी स्ट्रेस में, काफ़ी डिप्रेशन में, काफ़ी हो सकता है कि आपको हेडेक है या आपको माइग्रेन है या डिप्रेशन में है। तो किसी चीज़ को लेकर आप हेल्थ वाइज अपनी हेल्थ ख़राब किए हुए हैं। और अगर आप बजाय के इन परेशानियों में, इन दिक्कतों के में रहने के, अगर इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, हल ढूंढेंगे, तो आपके इर्द गिर्द ही इसका सॉल्यूशन है। और इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, जो आप डिप्रेशन में हैं, जो रातों को सो नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, इन चीज़ों से काफ़ी हद तक आप निजात पा सकते हैं। आप बजाय एंजाइटी के, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के रातों की नींद हराम करने के, इसका सॉल्यूशन ढूंढिए, इसका हल ढूंढिए। और आप, क्योंकि ये इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको लेकर आप डिप्रेशन में हैं, आपने अपने हेल्थ को ख़राब कर रखा है, तो आपको इसमें डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि हार्ट से रिलेटेड भी आपको इश्यूज हो सकते हैं, तो हो सकता है कि छोटी मोटी या तो सर्जरी आपकी हुई है या तो होने वाली है, या फिर माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है। तो जब तक आप इस डिप्रेशन से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो आप अपने आप को प्राणायाम कीजिए, चैंटिंग कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर कीजिए, और बजाय के परेशानी, दिक्कत में रहने के, इसका हल ढूंढिए। आपके इर्द गिर्द ही इसका हल है। अगर आप मन लगाकर प्राणायाम करेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और समय पर दवाइयाँ लेंगे तो और तो आप इस परेशानी से, इस दुख तकलीफ से हेल्थ वाइज आप फिट हो सकते हैं। आप गार्डन वगैरह में घूमने जाइए और इन चीज़ों से रिलैक्स कीजिए। तो वेल्थ पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसमें मिलती नज़र आई है। पैसे वाइज आप काफ़ी स्टेबल होते नज़र आ रहे हैं।
आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, समय लगेगा, लेकिन अगर एक छोटी सी बिगनिंग या तो आप कर चुके हैं या कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके आप स्टेबिलिटी की ओर जा रहे हैं। काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, नेम और फेम मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, कामयाब आप होंगे और वेल्थ वाइज काफ़ी अच्छी ग्रोथ, अच्छी सक्सेस में नेम और फेम और फ्रूटफुल सब कुछ रिजल्ट इसका आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है। तो वेल्थ वाइज काफ़ी ये सप्ताह आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आप अगर आप किसी चीज़ को में हेल्थ से वेल्थ से रिलेटेड कोई भी नई बिगनिंग नई शुरुआत चाहते हैं तो एक छोटी सी बिगनिंग कीजिए, धीरे धीरे करके उसके रिटर्न्स आपके फेवर में आएंगे और आपका वेल्थ वाइज पैसा जो मनी है जो पैसा है वो काफ़ी मजबूती मिलेगी, उसको स्ट्रॉन्ग होगा और काफ़ी रिटर्न्स आपको इसमें अच्छे मिलेंगे। थोड़ा सा समय वक्त लग सकता है, धीरे धीरे करके आप इसकी तरफ बढ़ते चले जाएंगे। जॉब पेज ऑफ वांड्स, तो काफ़ी मतलब एक अच्छी नई बिगनिंग एक शुरुआत हो रही है, लेकिन आपको थोड़ा सा जोश में होश नहीं खोना है। आपको जो कोई भी मतलब कहने का मतलब ये है कि जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है। सॉरी गाइस, ये स्टूडेंट्स के लिए है और ये फौरन से भी आप अगर फॉर्म वगैरह सबमिट कर रहे हैं या आपने कोई इंटरव्यू दिया है किसी फ़ोन कॉल का किसी मैसेज का या उन चीज़ों का वेट कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आपकी विश पूरी हो सकती है। एक बिगनिंग एक शुरुआत आपकी हो सकती है और अगर आप फॉरेन में स्टडी करना चाहते हैं, पासपोर्ट वीज़ा का अगर लंबे समय से आप वेट कर रहे हैं इंतज़ार कर रहे हैं तो इन दिनों कोई ना कोई गुड न्यूज़ कुछ मैसेज कुछ खबर कुछ मतलब उससे रिलेटेड आपको कोई ना कोई खबर ज़रूर होगी। या अगर काफ़ी दिनों से आप कोई कम्युनिकेशन चाहते हैं किसी से बातें करना चाहते हैं इसके थ्रू तो वो भी बातें आपकी हो सकती हैं। तो ऑनलाइन भी मतलब कोई कुछ व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू या मैसेज कॉल के थ्रू आपको मैसेज इसके रिलेटेड मिल सकता है। तो जो स्टूडेंट्स की एक अच्छी नई बिगनिंग नई शुरुआत होगी और काफ़ी अच्छा रिटर्न्स आपको मिलेंगे, आपकी आप काफ़ी सक्सेसफुल इसमें कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। स्टडी वाइज कुछ बच्चों बच्चे इसमें टॉपर भी आ सकते हैं, नेम और फेम उनको मिल सकता है। जॉब स्टूडेंट्स जॉब द एम्परर, तो जहाँ भी आप जॉब अगर आप नई बिजनेस तलाश कर नया जॉब तलाश कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आगे बढ़ना है। जॉब जॉब को ज्वाइन करना है क्योंकि जो भी कोई हाई अथॉरिटी होगी वो आप पर प्रेशर बना सकती है, आपके नाक में दम कर सकती है या फिर जो कलीग हैं जो पार्टनर हैं वो भी आपको परेशान दुखी कर सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी पावर में काफ़ी एंग उसमें दिखाई दे रहे हैं। और या फिर ये भी हो सकता है कि आप काफ़ी हाई लेवल की जॉब कर सकते हैं, कर रहे हैं या तो करने वाले हैं और जो भी आपके क्लिक होंगे या जो आपके नीचे काम करेंगे उन पर भी आप प्रेशर बना सकते हैं, उनको दबा कर रख सकते हैं। तो सोच विचार करके आपको अगर नई जॉब की तलाश कर रहे हैं तो सोच विचार करके आगे बढ़ना है और आप काफ़ी थोड़ा सा सबकी आप मदद करेंगे आप, लेकिन जो आपके पार्टनर हैं या लोगों को लग सकता है कि आप काफ़ी रूढ़ हैं कठोर हैं सख्त हैं, आप किसी की परवाह नहीं करते, आप सबसे लड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप एक नारियल की तरह हैं, आप अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं और ऊपर से थोड़ा सा हार्ड आप दिखाई दे रहे हैं। तो आपका रवैया क्योंकि आप सबकी परवाह करते हैं सबकी चिंता करते हैं तो आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है अपने इमोशंस को। जो आप रूढ़ बने रहते हैं कठोर बने रहते हैं सख्त मिजाज अपनाते हैं थोड़ा सा रवैया चेंज करने की ज़रूरत है, नहीं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा आपके ऊपर प्रेशर बन सकता है, दबाव आ सकता है और या फिर नौकरी से भी निकाला जा सकता है क्योंकि आप काफ़ी अपना रोप झाड़ने वालों में से एक हैं। तो बिजनेस हेल्थ वेल्थ स्टूडेंट्स जॉब बिजनेस, हाँ तो ये बिजनेस के लिए है। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं और नया आप बिजनेस करना चाहते हैं तो
काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको उसके मिलेंगे, लेकिन ये समय थोड़ा सा सही नहीं चल है, वक्त से नहीं है, थोड़ा सा समय का वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, रिजल्ट आपके फेवर में होगा। जो भी आप काम करेंगे रिटर्न्स आपको अच्छे मिलेंगे, काफ़ी समझदारी के साथ आपको आगे बढ़ना है। 3 दिन से लेकर 3 सप्ताह का टाइम आपका लग सकता है, लेकिन अगर आपने बिजनेस शुरू किया है या नया करना चाहते हैं तो उसके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे होंगे, आपके फेवर में होंगे। आपको रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने आज बिजनेस शुरू किया और आप कल महसूस करें कि इसके रिटर्न्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो रिटर्न्स आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे, आपके फेवर में होंगे, आप उसमें काफ़ी सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे, नेम और फेम मिलेगा। जो जैसा रिजल्ट आप चाह रहे हैं आपके अकॉर्डिंग ही फल आ रहा है, लेकिन वो अभी रास्ते में है, अभी उसका सही समय आने का, सही वक्त आने का, उचित समय आने का वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। बिजनेस आपका दिनों दिन तरक्की करेगा, नेम और फेम होगा, और अगर आप अपना फौरन में भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो फौरन में भी आपका इसके रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, और दूसरे के साथ भी आप मिलकर बिजनेस कर सकते हैं। दूसरे के साथ अगर मिलकर आप बिजनेस करेंगे तो भी आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल सकता है, और फॉरेनर के साथ मिलकर अगर आप कोई मैसेज, कोई कॉल वगैरह करके उनके थ्रू भी अगर आप बिजनेस चलाना चाहते हैं तो उसमें भी रिटर्न्स आपके अच्छे आएंगे। ये फॉरेनर्स का भी कार्ड है, तो रिजल्ट आपके फेवर में आगा होगा, और आप फॉरेन में जाकर भी बिजनेस कर सकते हैं। फॉरेन में अगर किसी चीज़ से रिलेटेड आप बिजनेस करेंगे तो वो भी आपका अच्छा जा सकता है। ये स्टूडेंट्स के लिए आया है कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अभी आपको रुकना है, ठहरना है, सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है, मेडिटेशन हीलिंग करनी है। हो सकता है कि पास्ट में जो भी आप, अगर आप सिंगल हैं और किसी से आप डेट वगैरह कर रहे थे, डेट्स कर रहे थे, किसी के साथ आपका घूमना फिरना था या कोई रिलेशन आप बनाना चाहते थे, तो शायद उसकी वजह से आपको धोखा मिला है, और अगर आप नए रिलेशन में जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको नुकसान पहुँच सकता है, धोखा मिल सकता है। अभी आपको रुकना है, ठहरना है, सोचना है, विचारना है, उससे पहले आपको भगवान में आस्था लगानी है, हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करनी है, प्रेयर करनी है, क्योंकि शायद आपने कोई नया कोई रिश्ता बनाया था तो उससे रिलेटेड आपको दिल, आपके दिल को चोट पहुंची है, आपका दिल दुखाया, किसी ने मन दुखाया है, आपको प्यार में धोखा मिला है। तो अभी आपको सिंगल रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप को ठीक कर लीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और जब आपको लगे कि सही हो गया, सिचुएशन सही हो गई है, वक्त सही हो गया, तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, जान पहचान करके, एक दूसरे को जान कर, तभी आप उसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। अभी समय सही नहीं है, वक्त सही नहीं है, अभी आपको सिंगल रहना है। सबसे पहले आपको हीलिंग, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, काफ़ी, क्योंकि आप काफ़ी नेगेटिव फेज से गुजर कर आए हैं। तो रिलेशनशिप डेथ, तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा हैं या शादी करना चाहते हैं, तो अभी आप का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं चल रहा है, आप में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद चल रहा है, या आप शादीशुदा हैं तो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म होगा, कुछ चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं कुछ, या फिर अगर आप एक दूसरे से बातें करके चीज़ों को नहीं संभालेंगे, हैंडल नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आप का सेपरेशन भी हो सकता है, आप नो कॉन्टेक्ट में जा सकते हैं, आपके बीच में दूरियां बन सकती हैं। तो अपने रिलेशन को बचाने के लिए, अपने शादीशुदा ज़िंदगी को बचाने के लिए आपको पुश करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, और जो चीज़ें आपके रिलेशन में बाधाएं दे रही हैं, कुछ नेगेटिविटी है यहाँ पर, तो पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ सिचुएशन, कुछ लोग जो आपके अराउंड हैं वो इस चीज़ में टॉक्सिक बन सकते हैं, अपने आपके रिश्ते को ख़राब कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, उनसे रिलैक्स कीजिए। या फिर आप बहुत दिनों से अपने रिश्ते को खींच रहे थे, आप शादीशुदा थे या रिलेशन में हैं और आप एक दूसरे से छुटकारा चाहते हैं, तो यहाँ आपके लिए ये एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है।
कि आपका सेपरेशन हो सकता है या आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो नहीं तो अगर आप नए शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को नया मोड़ देना चाहते हैं, तो अभी रुकिए, ठहरिए, अभी आपको नहीं जाना है, सिचुएशन सही नहीं है, वक्त सही नहीं है, आपको नुकसान हो सकता है, आपका रिलेशन ख़राब हो सकता है, आप दोनों के बीच में दूरियां आ सकती हैं। तो हाई प्रेस्टेस फिर से वही है कि अभी आपको हीलिंग करनी है, प्रेयर करनी है, मेडिटेशन करना है, रुकना है, ठहरना है, सोचना विचारना है, सोच समझ करके ही जिस चीज़ में भी आप हाथ लगाए वहाँ आगे बढ़ना है, क्योंकि आप और उसके साथ हीलिंग मेडिटेशन इन चीज़ों में आपको अभी आस्था लगानी है। अगर कोई नया बिजनेस, कोई जॉब, कोई प्यार, कोई मोहब्बत, रिलेशनशिप वगैरह में जाना चाहते हैं तो अपनी इंट्यूशन पावर इस्तेमाल करनी है, बिना सोचे समझे आपको जंप नहीं लगाना है, चुप रहिए, खामोश रहिए और मेडिटेशन, हीलिंग, प्रेयर वगैरह करते रहिए। अभी थोड़ा सा चीज़ों को वक्त दीजिए, समय दीजिए और जब सही समय आएगा तभी आप कोई एक्शन लीजिएगा। अभी आपको रुकना, ठहरना है और बुद्धिमानी, समझदारी के साथ आगे बढ़ना है, बिना सोचे समझे आपको नया कोई भी काम शुरू नहीं करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में खुशी मिलती है। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।